जो कुछ दे 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 सकते 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 हैं 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 आप को दे सकते हैं। आप के को आपके आपके चर्च मंदिर बिस्मिल आज की वीडियो जो है मैं इसमें ना कोई आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताऊंगा ना ही आपको चैनल ग्रो करने के बारे में टिप दूंगा आज की वीडियो जो है ये इस्लाम के मुतालिक और ख़ास तौर पर इस्लाम के मतलब है इसमें आप लोगों को वज़ीर जो है हमारे मजहबी मूल के उनका मैं बयान सुनवाऊँगा और आप सुनने के बाद अगर मुसलमान हैं तो आप जरा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे भी क्या ये हमारा वजीर जो है ये एक मुसलमान है और हम लोग इस्लामी रस्त में रह रहे हैं कितने शर्म की वाली बात है भी इतने धड़ल्ले के साथ वो बयान दे रहा है हमें ये तो आप सबको मुसलमानों के नाते पर फ़र्ज है भी आप इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मैं मजबूर हो गई वीडियो बनाने पर उसका पैगाम सुनने के बाद मैंने जब से सुना है मेरा दिमाग यकी ख़राब हो चुका है इतनी उसने गलत बात की है आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं बग़ैर टाइम से आके का बयान सुनवाता हूँ फिर आप लोगों ने फैसला करना है भाई वो बात ठीक कर रहे गलत कर रहे हैं और किस हद तक गलत कर रहे हैं उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए और आपने इसको पैगाम को ज़रूर आगे से शेयर करना है से हम जिस वजीरजम की कियादत में आगे बढ़ रहे हैं याद रखो आपकी यह वजारत ये आपकी है और मैं तो तौर पर यही कहता हूं कि मैं हमारी वजारत को लोग कहते हैं कि वजारत है मजहबी उमूर तो हमारे हैं और वो कहते हैं कि आप मजहबी उमर का मन तो लोग का ये तस्वर है कि मदारस के साथ, के साथ और मुसलमानों को इमदाद देगा मैं किसी मुसलमान को कोई इमदाद नहीं दे सकता लेकिन याद रखो आप क्रिस के मौके पर मौजूद है मैंने अपने दफ्तर में जितने दस्तखत किए हैं माली इमदाद के हवाले से आजकल तमाम मसीह बर बरदरीों के अकलीतों के नुमाइंदों की हम जो कुछ दे सकते हैं आपको दे सकते हैं आपके चर्च को दे सकते हैं आपके मंदिर को दे सकते हैं आपके गुरुद्वारे को दे सकते हैं किसी मस्जिद के साथ में मदद नहीं कर सकता है। हमारी वजारत आपके लिए कोशा तो इनशाला हम आपकी सरपरस्ती मोहब्बत से जी तो आपने उनका पैगाम सुन लिया अब आप फैसला करें भी आपने इसको शेयर करना है या नहीं करना क्योंकि अगर हम इसके इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर कौन उठाएगा मुसलमान नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा कितने शर्म की बात है हमारे लिए ये तो अपने मुसलमानों का सबूत दें और इस पैगाम को आगे से आगे जो है वो फैलाएं ताकि सबको पता चले इनकी असलीत क्या है इनकी औकात क्या है